अच्छा नहीं लगता ये सब बेचना, कि एक एक करके बेचते हैं सारा, फिर से ऊपर से गिर जाता है, फिर से यहाँ फिर जैसा का पैसा हो जाता है तो। कुहू कुहू हमर ससुराल किधर, देखो उधर ही बता रहा है, शायद सची हो जाए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस न्यू ब्लॉग में आज दिखाने वाले हैं कि हम लोग आज तो आज हमारा महुआ गिरने लगा है, इसलिए हम लोग महुआ बेचने के लिए आए हैं। हम लोग क्या, हम अकेले आए हैं, बाकी लोग हमारे मम्मी सब खाना बना रही, तो दिखाते हैं उसका व्यू कितना बढ़िया आ रहा है महुआ। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए कितना बढ़िया व्यू है। ये तो कटहल का पेड़ पीछे लगा हुआ है, तो दिखाते हैं महुआ का पेड़ पीछे। तो देखिए दोस्तों, इतना हम लोग उठा के रखे हुए हैं महुआ को बीच के, और अभी ये वाला सब सारा बीचना है। अभी तो गिरा नहीं है पूरा तरह से, अभी धूप अभी पड़ रहा है, इसलिए अभी धीरे धीरे गिर रहा है। तो चलो हम लोग बीचते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। तो इस ब्लॉग में आज यही होगा कि हम लोग महुआ को बीचने वाले हैं। आप लोग क्या कहते हैं महुआ को, हम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, हम लोग तो महुआ ही बोलते हैं। कैसे हो सके तो आप लोग का चेंज होगा, बस इसे हम लोग बीचते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि आज ब्लॉग यही होगा, क्योंकि आज अभी तक खाना भी नहीं खाए, उतना आवाज़ भी बढ़िया नहीं आ रहा, क्योंकि शाम को भी उतना अच्छा खाना नहीं खाए थे, थोड़ा तबीयत खांसी हो गया है, इसलिए तबीयत ख़राब है। तो बस देखिए कितना गिरा हुआ है, इतना सारा हमको बीचना है। एक पेड़ मेरा नाम, एक पेड़ मुझे ही बीचना होगा, और बाकी जो पेड़ है वो सब उन लोग बीचेंगे। और सब पेड़ में आया हुआ नहीं है इस बार, ज़्यादा एक दो पेड़ में आया हुआ है, तो बस उसी में हम बीच रहे हैं। एक पेड़ में, एक पेड़ अभी भी बाली के अंदर में है, इसलिए बोला नहीं बीचते हैं। तो बस देखिए कितना गिरा हुआ, इतना सारा हमको बीचना है और अभी भी गिर ही रहा है। तो चलो अपना काम किया जाए जो है। अच्छा नहीं लगता ये सब बीचना, कि एक एक करके बीचते हैं सारा, फिर से ऊपर से गिर जाता है, फिर से यहाँ फिर जैसा का तैसा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। सोचते हैं कि सब गिरने दे दो, उसके बाद बीचे नहीं नहीं। लेकिन खाना भी नहीं खाए, समय हो रहा है खाना खाने का, तो बस मम्मी आएगी हम निकलेंगे। तो बस इतना गिरा हुआ, इतना सब बीचना है, बहुत कठिन काम है, लेकिन करना तो होगा। पेड़ है तुम्हारा तो कौन बीछेगा। तो चलो देखिए किस तरह से भाई कितना भी घिरा हुआ है। और उधर तो पेड़ अभी छोड़ ही दो, उधर पेड़ भी, उधर की पेड़ में भी है, उधर भी जाना पड़ेगा बेचने के लिए भाई साहब। देखिए दोस्तों कितना गिरा हुआ है, अभी गिर ही रहा है, ऐसा नहीं कि अभी ख़त्म हो गया है। अब मेन दिक्कत ये है कि यहाँ गड्ढा ऊंचा है, इसलिए हम लोग दिक्कत होता है बीचने के लिए। ये सर यहाँ गड्ढा कम है, देखिए ये हमारा पेड़ है, और एक उधर भी पेड़ है, लेकिन उसमें इस बार महुआ आया नहीं है। और उधर उन लोग का है, इस पाली वाला भी है, नहीं उसमें ख़त्म हो गया, पत्ते भी अति हो चुका है। बस दो ठो पेड़ पे आया था इस बार महुआ, देखो इतना बीचे हैं, और वहाँ डबकी बनी है उसमें बीचे हैं, उसमें रखे हैं। बस होगा उन लोग को लेके घाट दिया जाएगा, जहाँ होता है घाटने के लिए। तो छोटा सा ब्लॉग रहेगा, जैसा रहेगा आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। ब्लॉग हम तो ला ही रहे हैं कंटिन्यू, बस एक अति रूटीन बढ़िया बन जाए तो समय पर भी लाएंगे, बस आप लोग को प्यार सपोर्ट रहेगा तो वो भी आ जाएगा। तो ये देखिए इतना बड़ा व्यू, ओह देखिए। और उसे क्या कहते हैं इस पेड़ को, थोड़ा बताइए तो। इसको हम लोग उसमें जो फल वल लगा हुआ है उसे हम लोग सूटी बोलते हैं, और उसे सब्जी बना के खाया जाता है, बहुत बढ़िया है। आज क्योंकि वो हम लोग का ही है, लेकिन आज तोड़ने वाले हैं उसको, नहीं तोड़ के उसे कल सब्जी बनाएंगे। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, वहाँ गए नहीं हैं। ये सुट्टी का पेड़, उस साइड हम दिखाते हैं कटहल का फल भी उग चुका है, कटहल। ये देखिए
कटहल का पेड़। ये पेड़ ऐसा है कि 12 महीना इसका पत्ता कभी झड़ता पूरा झड़ता ही नहीं है इस पेड़ का। आप लोग कभी झड़ते हुए देखें, इस पेड़ का यही खासियत है, झड़ता है पत्ता नहीं फिर से उग जाता है। इसे पूरा पत्ता झड़ते हुए आज तक नहीं देखा गया है इस कटहल का पेड़ को। देखो महुआ को अभी किस तरह हो गया है, सारा अभी ख़त्म। महुआ को दिखा, देखिए इसका पत्ता भी पूरा झड़ चुका था, अब धीरे धीरे उससे भी फुनगने लगा है। नहीं ना कटहल का, लेकिन कटहल का देखिए अभी तक क्या, उसको 12 महीना देखेंगे तो उसका रहता ही रहता है इसमें और शायद आम के पेड़ में। देखो इधर उधर एक ठो घर है इसलिए लाइन गया हुआ है, वो आम का पेड़ है, आम तो अभी फला हुआ है नहीं। ये हमारा पेड़ है, हम लोग का घर यहाँ नहीं है, तो पीछे घर देख रहे हैं हम लोग का घर नहीं है, घर थोड़ा दूर में है, वहाँ से हम लोग आए हैं इधर जंगल तरफ है पेड़ लगा हुआ। पहले इस इधर तो घर नहीं था पहले, लेकिन अब घर बन चुका है। तो ये देखिए लास्ट फूल, उसमें फूल तो सब झड़ चुका है, अब सब ख़त्म। इधर कटहल का है और दिखाते हैं आम का पेड़ लगा हुआ है, उसमें आम शायद निकल आया है। तो चलो आम के पास चलते हैं और दिखाते हैं आम का व्यू, बढ़िया नज़ारा। ये देखिए छोटा छोटा फल आ चुका है आम का, तो गर्मी का मौसम भी आ रहा है तो इधर ही हम लोग का डेरा रहेगा जो बोलिएगा। देखो छोटा छोटा आ चुका है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे नहीं, बस नीचे जो भी गिरा हुआ है उसे उठा के देखते हैं, खाते हैं, खाने का जैसा रहता है। तो देखिए जूम करके दिखा रहे हैं कितना प्यारा आम है, आप देख सकते हैं अभी छोटा छोटा है इसलिए अभी दिख रहा है बढ़िया, बड़ा हो जाएगा तो और भी बढ़िया दिखेगा। तो चलो उधर महुआ का पेड़ लगा हुआ है, उधर तालाब है तो उस तरफ चलेंगे नहीं, बस वहाँ अपने पेड़ के पास जाएंगे, नहीं तो बेली सब घूम रहे हैं सब खा जाएंगे बोला। तो चलो छोटा छोटा जो भी गिरा हुआ है उसे उठा लेते हैं। तो देखो एक ठो गिरा हुआ, एगो दो ठो, चलो तीन इधर भी मिल रहा है, चलो ज़्यादा ही क्या करेंगे। देखो तीन ठो उठाए हैं, इसे खाएंगे और अपने पेड़ के पास जो भी मेरा काम है उससे बिछना और हमें घर चलना। तो चलो ब्लॉग में कंटिन्यू रहते हैं। तो ये आम छोटा सा आम हो, बस इसे खाएंगे, देखते हैं इसे अंदर में क्या निकलता है। हमारे गांव में एक कहावत है, तो उस कहावत को सुनिएगा, ज़रूर हंसी लगेगा, लेकिन वो बोलते हैं हम पहले से सुनते आए हैं ऐसे। इसे हम लोग अंदर में जो रहता है उसे कुहू बोलते हैं, और ये देखिए इसे कुहू कहते हैं, इसका अंदर रहता है जो आँठी निकलता है। तो हम बचपन से कहते आए हैं कि बड़ा लोग बोलते हैं कि ऐसे करेगा तो कुहू कुहू, हमारे ससुराल के अंदर से बता देता है किधर जाने वाला है। तो हम ट्राई मारते हैं आज कुहू कुहू हमारा ससुराल किधर, देखो उधर बता रहा है। तो आप लोग इसको सीरियस ना लें, ये शायद होगा तो देखेंगे उतना दिन तक जाएगा। तो देखो हमारा सुबह भाई आ रहा है, आम खाया बढ़िया लगेगा। मज़ा आएगा खाने में, बहुत छोटा है, मज़ा आ जाएगा। तो चलो इसी के हमारे सुबह भाई डर के मारे भागने लगे हैं, उसके पापा आ रहे हैं इसलिए। तो चलो इसमें फिर एक बार करते हैं क्या होता है, कुहू कुहू हमारे ससुराल किधर, देखो उधर ही बता रहा है, शायद सची हो जाए। तो चलो देखिए कटहल का पेड़ आती फल कितना लगा हुआ है, जिधर भी देखिए कटहल का फल लगा हुआ है, देखिए कितना बढ़िया है। आप लोग ये वाला खाए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना बढ़िया लगता है कि नहीं लगता है, हमें तो बहुत बढ़िया लगता है कटहल का फल, और ये पक जाता है तो और भी अच्छा मज़ा आ जाता है। तो वाह कितना बढ़िया फल अभी फला हुआ है, तो पकेगा तो बहुत मज़ा भी आ जाएगा। चीनी देखिए उधर तालाब बनाया है कितना बढ़िया, उधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि मेरा अभी डिप्टी यहाँ है, आप लोग तो जानते ही हैं। ये
बस पेड़ के पास हम आ गए हैं। बस पेड़ में अभी तक सारा गिरा हुआ नहीं है। अभी धूप अभी लग रहा है, तो अभी धूप से और गिरने लगा है ज़्यादा। तो बस अभी बीछना भी छोड़ दें, क्योंकि हल गए हैं किस तक इतना बीछे हैं, बार बार बीछते हैं वहाँ फिर भर जाता है। तो जब आएगी तो उन लोग बीच लेगी। बस हम बैल से यहाँ रखवाली कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।